पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा विंडोज़ एक्टिवेट है कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विंडोज़ इज़ नॉट एक्टिवेटेड, मतलब मेरा एक्टिवेटेड नहीं है। उसके बाद आपको सर्च में जाना है, टाइप करना है cmd, देन इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कोड कॉपी करके पेस्ट करना है। देन मेरा विंडोज़ जो वर्सन है ये है विंडोज़ 10 प्रोफेशनल। इसके लिए मुझे ये वाला जो प्रोडक्ट की है इसको कॉपी करना पड़ेगा। मैं ये पूरा जो लिस्ट है इसको मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के, ये कोड के साथ ऊपर नीचे जो कोड लिखा है आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। और अलग अलग विंडोज़ 10 का जो वर्सन्स होता है उसके लिए अलग अलग की यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको विंडोज़ 10 होम है तो आप एक की नहीं यूज़ कर सकते, आपको वो ऊपर वाला विंडोज़ 10 होम का की यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले आप चेक कर लीजिए आपका कौन सा विंडो है, उसके बाद उसका की कॉपी कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आके पेस्ट कर दीजिए, देन एंटर। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि इंस्टॉल्ड प्रोडक्ट की सक्सेसफुली, देन ओके कर दीजिए। यहाँ पर जाके ये नीचे वाला जो कोड है कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट, उसके बाद एंटर। ना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि की मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो सक्सेसफुली इनिशिएटेड हो गया। ना ये वाला कोड कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, उसके बाद एंटर देने के बाद थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 20 से 30 सेकेंड्स, कभी कभी जल्दी भी हो जाता है। लोग यहाँ पर देखा रहा है कि एक्टिवेटिंग विंडोज़, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। नाउ आप जाके चेक कर सकते हैं, सेटिंग्स में चले जाइए, यहाँ पर सर्च में आके दिस पीसी सर्च करके यहाँ से आप प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अभी मेरा विंडोज़ इज़ एक्टिवेटेड आ रहा है। तो अगर कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।